और इस बीच आ रही है बड़ी खबर देहरादून से, जहां यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग के को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बिजली की दर 7.31% बढ़ाने की मांग की गई है। विद्युत नियामक आयोग अब लोगों की आपत्तियां सुनेगा, फिर 24 जुलाई को यूपीसीएल के प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा, और अगर आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो उत्तराखंड के लोगों को महंगी बिजली लेनी होगी। यूपीसीएल बिजली की दरों को बढ़ाकर अपने घाटे को कम करना चाहता है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, 7.31% का इजाफा करने की मांग, कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया गया? बिल्कुल, क्योंकि जो यूपीसीएल है वो अपने घाटे को कम करने के लिए इस तरह का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है, और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि करीब 440 करोड़ रुपए का जो घाटा रहा है विद्युत इसका आयोग का, वो इसको कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी ये है कि 25 करोड़ से अधिक जो पेनाल्टी थी दूसरी कंपनियों की, उसको यूपीसीएल माफ कर चुका है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो करीब 460 करोड़ रुपए के आसपास पूरे जो घाटे की बात सामने आई है वो है। इसी के चलते यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग को अपना एक प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि 24 जो जुलाई डेट को निर्धारित की गई है, अब उसी में देखना होगा कि आखिर आयोग किस तरह का फैसला लेता। लेकिन जितना परसेंटेज बढ़ाने की बात कही है 7.75% के, तो यकीनन अगर इतनी फीसदी बिजली की दरों में इजाफा होता है तो इससे लोगों को महंगाई की मार और झेलनी पड़ सकती है। और साथ में ये भी है कि अब घाटा इसका यूपीसीएल का कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अलग बात होगी, लेकिन इसकी मार आम लोगों पर जरूर पड़ेगी। जी बिल्कुल, और जब ऐसी स्थिति में जब बिजली की तमाम तरह की परेशानियों से जो उत्तराखंड वासी हैं वो दो चार होते रहते हैं, ऐसे में महंगी बिजली, और जब ये भी सुनिश्चित नहीं है, ये भी श्योर नहीं है कि इससे घाटे की भरपाई हो पाएगी। देखिए, अपना ये है कि अगर पिछले साल में देखें तो 4 बार इस तरह से यूपीसीएल ने अपनी विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखा था, और 2-3 बार उसमें थोड़े बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ वृद्धि की गई थी। और वही है कि अभी 3 महीने के अंदर में एक बार फिर से यूपीसीएल ने पत्र लिखा है कि वो विद्युत की जो दरें हैं उसको बढ़ाई जाए, लेकिन इससे आम लोगों की परेशानी तो बढ़ ही सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूपीसीएल का जो घाटा है वो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सवाल यहाँ पर यही उठता है कि उसे कम करने की कोशिश में आम जनता की जेब पर कैंची क्यों जलाई जा रही है। शुक्रिया आपका इससे पूरी बातचीत के लिए रामानुज।